कैसे हो? आई हो मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है सैटरडे और अभी बज रहे 2, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह मैं एकदम बिजी था, बाकी तो सब काम हो गया, सिर्फ लादी पोछना बाकी है। तो अभी मैं खाना खाऊंगी और उन लोग को पूछा है, उन लोग अभी नहीं खाएगा क्योंकि चिकन के साथ उन लोग कुरमुरा खाया है 11 बजे। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, तो चलिए मैं क्या बनाया है आप लोग को दिखाती हूँ। आज का लंच है दाल, आम दाल है, और ये है फ्लावर का सब्जी सूखा बनाया, और ये है पत्ता मूली का सब्जी, और थोड़ा सा चिकन है, लेकिन मैं तो चिकन नहीं खाती हूँ। ये आप लोग को एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए बॉटल में पानी भर के ये पौधा रखा है आज मैं, और कितना दिन रहते हैं देखते हैं। पहले भी मैं रखा था लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहते, तो देखते हैं बीच बीच में धूप में देगा तो अच्छा रहेगा, तो रखूँगी मैं। तो चलिए, बहुत भूख लग रहा है, अभी मैं खाना खाती हूँ। अभी अभी पार्लर से आई है, और मैं तो कुछ किया नहीं है, भाभी किया है हेयर कट और डाई। तो चलिए अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, और अभी बज रहे 4:30, तो चलिए शाम को आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो मैं आलू उबल लिया है, और ये नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये है चिली फ्लेक्स, और केला का फ्लावर को उबल के काट लिया है। ये देखिए एक रख दिया है आप लोग को दिखाने के लिए, तो ये भी मैं काट लेती हूँ। और रात का डिनर के लिए मेथी का पराठा बनेगा, और बेसन भी मैं घोल लिया है, इसमें काला जीरा, नमक, हल्दी और खाने का सोडा मिक्स किया है। तो चलिए मैं अभी मसाला तैयार कर लेती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, तो मैं अभी कुटी हुई लहसुन डाल रही हूँ। आलू का मसाला बहुत अच्छे से फ्राई करना है, और मैं मसाला बनाने के लिए पहले ऑयल दिया, फिर कुटी हुई लहसुन, उसके बाद अदरक जीरा का पेस्ट, और उसके बाद मैं आलू डाल दिया और केला का फ्लावर भी डाल दिया। अभी मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, बन गया है, मैं गैस बंद करती हूँ, और अभी मैं ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं पेड़ा का आकार में काट दूंगी और फ्राई करूंगी। ठंडा हो गया, मैं अभी राउंड कर लेती हूँ, ऑयल गर्म करने के लिए दे देती हूँ। तो अभी मैं फ्राई कर लेती हूँ। मैं एक साइड में चाय बिठा दिया, बन गया है, मैं अभी ये निकल लेती हूँ। ये देखिए ऐसा शेप में आलू का जो मसाला बनाया था, ऐसा पूरी के जैसा शेप में करने का, उसके बाद बेसन में डिप करके छोड़ने का। मैं रायका ऑयल से फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो सादा ऑयल से फ्राई कर सकते हैं।
ये चॉप बहुत टेस्टी है, आप चाय के साथ ऐसा भी खा सकते हो और कुड़मुड़ा के साथ भी खा सकते हो। और आप इसके ऊपर ब्लैक सॉल्ट भी स्प्रिंकल कर सकते हो, उससे और टेस्ट बढ़ जाता है। तो मेरे पास तो अभी नहीं है, तो ऐसा ही खाऊंगी मैं। तो चलिए, डिनर बनाने का है और वो लोग अभी पढ़ने के लिए रूम पे चला गया। और आज पूरा दिन बिजी थी क्योंकि सुबह उठा है 7 बजे, 7 बजे से लेके मैं पूरा दिन आज बिजी थी। रात का तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, मेथी का पराठा बनेगा, वो आप लोग को दिखाया है, मैं गुन के रखी है। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि बिट्टू का रिजल्ट था, वो बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। उसका रिजल्ट का मुझे बहुत टेंशन होता है क्योंकि वो बहुत कम पढ़ाई करता है। तो चलिए, अच्छा रिजल्ट किया है तो मैं वीडियो अभी यही पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरा चैनल भी नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।